हाय, तो ये है आपका मार्च का न्यूमरोलॉजी। शक्ल नहीं दिख रही मेरी। मार्च का महीना है तीसरा महीना और साल के हमारे टोटल हैं 2023 के 43 प्लस 3 46। अब 46 का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आता है नंबर 10। ये बहुत ही अच्छा नंबर है और 7 के साथ जब इसे जोड़ा जाए, मतलब 2023 का टोटल 7 है और पूरा टोटल इस महीने के साथ 10 आता है, ये बहुत सारी नई शुरुआत लेकर आएगा बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे शादियां होंगी, बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगे, लेकिन और हाँ, काफी सारे नेचुरल कैलामिटीज भी होने के चांसेस हैं, जैसे कि जानवरों का मरना, इंसानों का मरना किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से। इस तरह से काफी सारे बदलाव आने की संभावना है। बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने की पहल करेंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, ना सिर्फ शहर बल्कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अलग देशों में जाना चाहें। हो सकता है दूसरे देशों में जो ऑलरेडी बसे हुए हैं वो अपने देश वापस आना चाहें। तो शुरू करते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग काफी समय से बीमार हैं, किसी ना किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। ऑन दी अदर हैंड, ये भी संभावना है कि बहुत लोग जो काफी समय से बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि अब उनका समय आ गया हो कि वो एक नया जीवन शुरू करें। नया जीवन शुरू करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें ये शरीर त्यागना होगा, तो इस तरह की संभावनाएं बहुत हैं। उसके बाद, उसके अलावा काफी सारे लोगों के बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट सर्जरीज, ये चीजें हो सकती हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि इस महीने, एक्चुअली इस साल, लेकिन खास करके इस महीने बच्चों का खास ध्यान रखना। बच्चों की तबीयत खराब होना, आगे और भी बताऊंगी बच्चों के बारे में, लेकिन फिलहाल छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं और बच्चे छोटी मोटी चोट लग गई या कुछ इस तरह से आगे चलते हैं रिलेशनशिप्स पे। देयर आर थिंग्स आई रियली डोंट हैव द हार्ट टू टॉक अबाउट। सो जैसा रिलेशनशिप्स में मैंने कहा और बच्चे जैसे मैंने कहा कि हाँ, बहुत सारी प्रेगनेंसीज होंगी, बहुत सारी डिलीवरीज होंगी, बच्चे होंगे और बहुत सारी लोग शादियां भी करेंगे, तो बहुत सारे आई वुड से कि एंगेजमेंट्स एंड शादी और कमिटमेंट होने के बहुत चांसेस हैं। चांसेस क्या है, मतलब होगा इस महीने में। और ये मुझे लगता है कि जो शादियां हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत मुझे लग रहा है कि होने के ज्यादा चांसेस हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स काफी होंगी, पार्टीज बहुत होंगी, गेट टुगेदर्स, हॉलीडेज, हॉलीडे पे जाना, दोस्तों के साथ हॉलीडे पे जाना। हो सकता है कि पुराने फ्रेंड्स जिनको आप काफी समय से नहीं मिले, ऐसे लोगों के साथ, हो सकता है बचपन के दोस्त हों, हो सकता है आप किसी पुराने रिश्तेदार को मिलने चले जाएं, ट्रैवल तो डेफिनेटली है, तो पुराने किसी रिश्तेदार को मिलने चले जाएं जिनसे आप काफी टाइम से नहीं मिले, और पुराने दोस्तों को मिलने चले जाएं। इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अफेयर्स, वन नाइट स्टैंड्स, ये बहुत होने की संभावना है, फ्लिंग्स बहुत होने की संभावना है। इसलिए आप किसके साथ आप नाता जोड़ते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसमें कुछ लोग सही हैं तो कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं। इसलिए कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में आता है वो आपके लिए कितना सही है, अगर आप चाहें तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं और
मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। धोखा हो सकता है कि अगर आप गलत इंसान से मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जब आप बहुत टाइम बाद मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो पहले था अब भी वही होगा। हो सकता है वो इंसान बदल गया हो और हालात की वजह से बहुत सारे बदलाव आ गए हों, और हो सकता है कि वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, तो ये डेफिनेट संभावना लग रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स भी होंगे अगर आप नए लोगों को मिलोगे, नए पार्टनर्स होंगे, नए दोस्त होंगे। ये सिर्फ लव इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर दोस्तों की भी बात कर रही हूँ, नए रिश्तों की बात कर रही हूँ। तो दोस्ती भी एक रिश्ता है, तो हो सकता है कि कुछ दोस्तों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे ना रहें, और समझदारी इसी में होगी कि आप उन्हें पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। मेंटली एंड इमोशनली की बात कर रही हूं मैं, तो मेंटली एंड इमोशनली अगर आप उस बात को लेके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं या परेशान होते हैं, तो उसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया और कर्म भी अपनी जगह होता है। हो सकता है किसी जन्म का कोई लेना देना हो, कोई ऐसा कार्मिक लेन देन हो जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया, और नहीं तो फिर वो जो भी कर रहे हैं उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। बस ये ध्यान रखना कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे और कल को कर्म का भुगतान आपको करना पड़े। अब आते हैं करियर पे। दिस इज आई एम कीपिंग दिस रियली शॉर्ट, लेकिन आते हैं करियर पे। करियर की लिस्ट काफी लंबी है, और इस महीने जहां तक मैं समझती हूँ बहुत सारे, मुझे किसी का डाउनफॉल होते हुए नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि कोई जैसे लास्ट मंथ मैंने बोला था कि या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, तो इस महीने मुझे किसी का बुरा होते हुए नहीं दिखता। बहुत सारे लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलेगी, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस शुरू करेंगे और उसमें तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं अगर एक जॉब छोड़ना चाहते हैं और दूसरी लेना चाहते हैं, या जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं और वो उसमें तरक्की पाएंगे। बस ये है कि जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समझदारी से करना, और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो खास करके ये वीडियो देखने के बाद, तो फिर एक बार मुझसे रीडिंग ले लेना ताकि आप कहीं कुछ गलत ना कर बैठो। अब ये लिस्ट जो है वो कौन कौन लोग हैं, कौन से बिजनेस हैं। इंटीरियर डेकोरेटर्स, हाउस होल्ड डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, फर्निशिंग्स, होम रेनोवेशन, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, बुटीक्स, और कपड़ा मार्केट जो है वो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी लागू होने के बाद इंडिया में कम से कम बहुत डाउनफॉल हुआ उनका। इस महीने वो दोबारा उठेगी। चाइना में जो हो रहा है उसके बाद चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या आ रहे थे अब तक, खास करके जहां तक कपड़ों का ताल्लुक है, तो वो अब लोग ऑप्शंस ढूंढेंगे, और हिंदुस्तान में कम से कम मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, और भारत में एक नई शुरुआत होगी और कपड़ा मार्केट फिर से उठेगी। और जो लोग अब तक बुरा वक्त देख रहे थे, अब उनका अच्छा वक्त आने की संभावना है, और यूं कहूं कि अच्छे वक्त की शुरुआत है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, फार्मर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक का स्पेशली ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक टॉयलेटरीज, ऑर्गेनिक मेकअप, ऑर्गेनिक बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ये चीजें पिकअप करेंगी। मतलब ये इन्होंने कब पिकअप नहीं किया, बट इस महीने उनका ज्यादा अच्छी कमाई होगी। और कुछ हो सकता है कि नया
इन्वेंट करें, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज जो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि कुछ नया शुरू करें, और जो लोग इसमें अब तक कर रहे थे काम, हो सकता है कि वो इसे एक्सपैंड करें। उसके अलावा वेट्स, एनिमल फार्म्स, ऑल दोज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि लेदर हो गया, पोल्ट्री हो गई, एग्स हो गए, इस तरह की चीजें जो एनिमल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो पिकअप करेंगी, और हो सकता है कि उसके अंदर एक शिफ्ट आए। क्रिस्टल्स जो हैं वो पिकअप करेंगे, लोगों को समझ में आने लगेगा और वो जानने लगेंगे कि क्रिस्टल्स का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक तौर के ऊपर बहुत अवेकन होने लगेंगे। ये मैंने पिछले साल दिसंबर में ही कहा था कि इस साल में, इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे सामने आने लगेंगे, अवेकन होने लगेंगे, और अब तक जिन्हें हम स्लीपिंग शीप कहते आए हैं, जिन्हें नहीं पता कि कौन क्या खेल खेल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कौन क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे बच्चों के साथ। तो दूसरा ये है कि जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों का खास ख्याल रखना। किडनैपिंग्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइस, इस तरह की चीजें, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब लोग करते हैं, और बच्चों का ध्यान रखना। जहां बच्चों की तरक्की है वो तो होगी होगी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे किस्से सुनने में आते हैं जिनसे बहुत दुख होता है कि इंसानियत पता नहीं कहाँ जा रही है। इंसान की जिंदगी भगवान ने दी है प्यार बांटने के लिए। इट्स ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट लव, और ये प्यार सिर्फ एक रोमांटिक लव नहीं होता, ये प्यार हर तरह का लव होता है। प्यार होता है जो, जिसे सही मायने में आप प्यार कहोगे, वो नॉन जजमेंटल होता है, नॉन अनकंडीशनल होता है, वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है। तो हमारी जिंदगी हमें दी गई है प्यार करने के लिए, और अगर हम प्यार के अलावा इन ये लोभ, मोह, माया, ग्रीड, हाउ डू आई कॉल इट, लालच, वासना, इस तरह की चीजों में, वासना का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता, वासना का मतलब लस्ट होता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है। भूख जिसको कहते हैं कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा भूख होना, उसको वासना कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी अभाव की वजह से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम हम अपना तो ध्यान रख सकते हैं, अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हैं, जहां तक हो सके लोगों को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपने अपना कर्म करना है, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ना है, उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता है इंसान। तो बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी, जहां तक हो सके एक चीज याद रखना कि जिसका वक्त आ गया है उसने जाना है। मैं आज एक टर्की का वीडियो देख रही थी, सीरिया का, एक छोटी सी बच्ची को 3 दिन के बाद मलबे से निकाला गया, एक 1.5 महीने के बच्चे को 3 दिन के बाद मलबे से निकाला गया। बहुत सारे लोग मर गए लेकिन ये जिंदा रह गए। तो ऊपर वाले ने जिसको रखना है वो रखेगा, जिसका वक्त आ गया, जिसके कर्म का लेन देन पूरा हो गया उसने जाना है। तो इसलिए जब कोई चला जाता है, चाहे वो इंसान मर जाए या चाहे उस इंसान के साथ आपकी अनबन हो जाए और आपको आगे बढ़ना पड़े जिंदगी में, उन्हें जाने दो, उन्हें रिलीज करो, उनको ले के पकड़ मत बैठो, और मन में किसी भी तरह का मैल, गुस्सा, द्वेष या गिल्ट, इस तरह की कोई चीज कभी मत रखना, क्योंकि उससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। उनका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, जिसने जाना था वो तो चला गया, और हर एक का एक वक्त होता है हमारी जिंदगी में, जब उन्होंने जाना है वो जाएंगे। आपको उसके अंदर ये सीखना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब वक्त अच्छा था तो अटैचमेंट हो जाती है, अगर बुरा आ जाता है तो डिटैचमेंट सीखना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
ये मार्च के महीने के लिए था, सभी के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। तो मिलते हैं जल्द। मीनवाइल अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे वेबसाइट guineaaneja.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप सोच रहे हैं मैं घूम घूम के इस तरह वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी धूप है और ठंड है और ये जगह मुझे बड़ी पसंद आई। ये अरण्य कॉटेज है वृंदावन में, मतलब वृंदावन से कुछ 10 किलोमीटर दूर। और ये मुझे तो ऐसा लगा, मैं 2-3 दिन से यहाँ हूँ और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल जैसे मैं अपने घर में हूँ। तो बहुत प्यारी जगह है और अगर कभी आप इस तरफ आना चाहें तो यहाँ ज़रूर आना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।